हमीरपुर के भोरंज उपमंडल में पड़ने वाले भंद्रू पुल का निर्माण सवालों के घेरे में आ गया है। भंद्रू पुल का उद्घाटन रविवार को सीएम वीरभद्र सिंह के द्वारा किया गया, लेकिन इस पुल पर कई खामियों को पाया गया है, जिससे कई तरह के सवाल पैदा हो गए हैं और इसी में भाजपा कांग्रेस पर आरोप मढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के भोरंज उपमंडल के तहत पड़ने वाले भंद्रू पुल अपने निर्माण से लेकर अब तक विवादों में घिरता जा रहा है। हालांकि रविवार को भंद्रू पुल का उद्घाटन सीएम वीरभद्र सिंह के द्वारा कर दिया गया, लेकिन इस पुल पर कई खामियों के रहते हुए पुल का अस्तित्व खतरे में है। और ये तस्वीर तब और डरा देती है जब लोक निर्माण विभाग को पुल में कोई कमी नहीं दिखाई देती। वैसे तो उसमें कोई कमी नहीं है, अगर कोई काम जो है ना, अगर कोई कमी उसमें आएगी तो कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट्स नहीं दी गई है। जब तक वो पूरा ठीक नहीं करेगा तब तक नहीं ऐसा, पर वहाँ कोई अभी तक मैंने कोई ऐसी नहीं देखी। अभी बनाए हुए तो अभी तो 7-8 दिन हुए इसको बनाए हुए। 7-8 दिन में बनाई गई सड़क और पुल का ये हाल, पुल पर गड्ढे पड़े हैं ये साफ दिखाई देता है, बजरी उखड़ी पड़ी हुई है और पुल के पास की नींव कितनी मजबूत है वो तो दिखाई ही दे जाता है। लेकिन ये सब अभी सरकारी बाबुओं को कहाँ दिखाई देगा। निर्माण से पहले ही पुल का निर्माण बदतर हालत में पहुंच गया है। ये तस्वीर उस समय की है जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इसी पुल के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद सरकारी तंत्र ने ये तस्वीर सीएम वीरभद्र सिंह को नहीं देखने दी। पुल के निर्माण को लेकर भाजपा आरोप लगा रही है कि सीएम वीरभद्र सिंह के हमीरपुर दौरे के दौरान आनन फानन में कई कामों को जल्द पूरा कर उद्घाटन करवाया जा रहा है, जिसके कारण अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर अतिरिक्त दबाव है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जिला हमीरपुर के दौरे पर आते हैं, आनन फानन में उद्घाटन और शिलान्यासों के कार्यक्रम रखे जाते हैं, कर्मचारियों और अधिकारियों पर अत्यधिक दबाव बनाया जाता है। पुल पर कई खामियों के रहते हुए पुल का अस्तित्व खतरे में है। पुल के निर्माण के एक हफ्ते के भीतर ये तस्वीर कई सवालों को जन्म देती है कि क्या आनन फानन में उद्घाटनों के लिए लीपापोती हुई है या इस लीपापोती के पीछे किसी तरह की धांधली है, क्योंकि सब कुछ पानी की तरह साफ है कि क्या निर्माण हुआ और कितना निर्माण हुआ। जब 7 दिन के भीतर पुल का ये हाल है तो ये पुल कितनी बरसात और कितना वजन झेल पाएगा ये बड़ा सवाल है। हमीरपुर से अरविंदर सिंह के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।